एक फौज में काम करने वाला जवान कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी, आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उसे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा, उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी, उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाके अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नव निर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का इसका फायदा उठाएंगे हम लोग।